ओके तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है डोरेमोन फैंस के लिए, क्योंकि यार डोरेमोन की न्यू मूवी जो आ रही है जो कि आने वाली है मार्च के अंदर। और भाई मैं पहले ही आपको बता दूं कि वो वाली मूवी जापान के अंदर आ रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत टाइम बाद आएगी। तो गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि वो मूवी इंडिया के अंदर नहीं आएगी, वो पक्का इंडिया के अंदर भी आएगी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आएंगी क्योंकि यार अभी तो वो मूवी रिलीज हो रही है जापान के अंदर, तो इसके बाद इंडिया के अंदर वो लोग राइट्स लेंगे और फिर जाके मूवी डब होगी और आपको दिखाई देगी टीवी के ऊपर, ठीक है। लेकिन गाइस मैं आपको ये बोलूं कि भाई वो मूवी जल्दी इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकती है, वो भी हिंदी डब में, तो कैसा होगा, है कि नहीं। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डोरेमोन की इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके एनिमेशन रिलेटेड, फिर उसके बाद इसकी स्टोरी लाइन रिलेटेड सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यार ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है आपके लिए और डोरेमोन फैंस के लिए। तो यस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं डोरेमोन की न्यू मूवी का नाम क्या है, ठीक है। डोरेमोन की ये वाली मूवी 2024 में जो आई है उस वाली मूवी का नाम क्या है। डोरेमोन की ये वाली मूवी का नाम है डोरेमोन द मूवी नोबिताज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो भाई नाम तो एकदम बढ़िया है, तो इस मूवी के नाम से ही पता चलता है कि ये मूवी किस रिलेटेड है। यस गाइस मूवी म्यूजिक रिलेटेड है। तो आप लोगों को डोरेमोन की वो वाली मूवी तो याद रहेगी, डोरेमोन द मूवी नोबिताज ग्रेट एडवेंचर इनटू अंडरवर्ल्ड, उस टाइप का ये एनिमेशन रहने वाला है इस वाली मूवी का, समझ रहे हो ना। तो स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो ये मूवी रिलेटेड है टोटली म्यूजिक के ऊपर, तो वही चीज होगी कि भाई ये लोग चले जाएंगे, डोरेमोन और उसकी टीम चली जाएगी कौन से तो अलग वर्ल्ड में, जहाँ पर पूरे म्यूजिक के ऊपर ही सब कुछ कंट्रोल रहेगा, है कि नहीं। आप लोगों ने अगर दूसरी मूवी के बारे में सुना है डोरेमोन की, जिसके अंदर भाई नोबिता वो तो गैजेट यूज करता है, उसकी मदद से भाई एक मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, तो यार उस टाइप की, समझ रहे हो ना। लेकिन इसके अंदर भाई ये लोग चले जाते हैं शायद से एक अलग ही दुनिया में, जहाँ पर बस म्यूजिक ही ज्यादा मेन मोटिव माना जाता है। तो यस उसी टाइप की स्टोरी लाइन चलती है और ये वाली मूवी उसी टाइप की है जो कि हिंदी डब तो होगी। और दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर डोरेमोन की ये वाली मूवी आपको जल्दी देखनी है हिंदी डब में, तो यस एक और चीज हो सकती है क्रंची रोल। तो यस क्रंची रोल भी इसको हिंदी डब ला सकते हैं, क्योंकि यार आप सभी लोगों को पता होगा क्रंची रोल अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पे वर्क कर रहा है, और क्रंची रोल के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को एनिमे के बहुत सारे हिंदी डब देखने को मिल रहे हैं। तो भाई ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। और यस गाइस डोरेमोन की ये वाली मूवी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो भाई यस क्रंची रोल भी इसको टारगेट करेगा, इसको हिंदी डब लाएगा। तो यस ये एक पॉसिबिलिटी है कि डोरेमोन की ये वाली मूवी क्रंची रोल हिंदी डब कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपको टीवी के ऊपर देखना है तो भाई यस वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। अगर ये मूवी मार्च के अंदर आ रही है वो भी जापान के अंदर, तो इंडिया के अंदर क्या चांस है कि भाई कब तक आएगी ये मूवी, क्या पॉसिबिलिटी है। तो गाइस हाँ इतना तो पता है कि टाइम तो बहुत ज्यादा लगने वाला है, लेकिन यस ये मूवी आ सकती है भाई, एक साल भी लग सकता है, कुछ महीना भी लग सकते हैं, 2024 में भी ये मूवी आ सकती है इंडिया के अंदर कुछ महीनों बाद, जब वो लोग ऐसा राइट्स खरीदेंगे, मतलब कौन सा भी चैनल अगर राइट्स खरीदता है, आ सकती है जल्दी भी 2024 में ही आ जाएगी। तो यस देखते हैं कि अभी क्या होता है, राइट। तो जब भी कौन सी भी अपडेट आती है डोरेमोन रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी वो सारी की सारी अपडेट्स। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना डोरेमोन के जितने भी फैंस है, ठीक है। तो यार डोरेमोन के साथ साथ जितने भी सारे एनिमेस है उन सारे एनिमेस के अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी टाइम टू टाइम। यार जाओ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार गाइस मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।